नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल आय मंधोपिया पर आपका स्वागत है। आज एक कहानी के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ बेईमानी का पैसा। बेईमानी का पैसा शरीर के एक एक अंग को फाड़ कर निकलता है। एक कहानी बताता हूँ। एक मेडिकल स्टोर वाला एक व्यक्ति होता है, रामलाल जिसका नाम होता है। वो रामलाल मेडिकल चलाता है, अच्छी तरह से उसका मेडिकल चलता है। मेडिकल में उसकी कमाई बहुत अच्छी होती है। कमाई के जरिए वो बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है। पैसे से वो कई सारी प्लाट खरीद लेता है, कई सारे मकान खरीद लेता है, बहुत पैसा हो जाता है उसके पास। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके मेडिकल स्टोर पर आता है, उससे कुछ दवाई निकालने के लिए अपना एक पर्चा देता है। पर्चे से वो दवाई निकालता है, दवाई निकालने के बाद वो 500 कुछ रुपये का बिल उसको दे देता है। बुजुर्ग आदमी अपने जेब में हाथ डालता है तो उसके जेब में 170 रुपये निकलते हैं। 170 उसको देने लगता है और कहने लगता है कि भाई मेरी थोड़ी मदद करो, मेरी बुजुर्ग जनानी, मेरी घरवाली बीमार पड़ी हुई है, ना तो मेरा बेटा सहारा दे रहा है, ना ही मेरी कोई बेटी सहारा दे रही है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे पास यही पैसे हैं, आप मेरी मदद करें। यह सुनकर मेडिकल स्टोर वाले को गुस्सा आ जाता है कि इतना टाइम लगा दिया मैंने, आधे घंटे तक आपकी दवाई ढूंढी, आप पैसा भी नहीं दे रहे हो, जबकि उन पैसों की हकीकत में जो कीमत थी वो 130 या 140 रुपये के लगभग थी। बुजुर्ग आदमी 180 रुपये उसको दे रहा था, फिर भी उसको 40 रुपये बच रहे थे, लेकिन वो नहीं दे पाया, किसी को डिस्काउंट वो नहीं देता था। एक वहाँ पर सज्जन आदमी खड़ा हुआ था, सज्जन आदमी ने अपने जेब से पैसे निकाले और उस बुजुर्ग की दवाई के पैसे दे दिए। दवाई लेने के बाद बुजुर्ग अपने घर चला जाता है। कुछ समय बीत जाता है, दुकान उसकी अच्छी चलती रहती है। कुछ समय बीतने के बाद जब वो वापस अपने घर जाता है, शाम को देखता है कि उसका लड़का बीमार हो जाता है, और बीमार भी इतना हो जाता है कि सारे जहां के डॉक्टर उसे देखने के लिए लग जाते हैं, लेकिन उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं पाता है। बीमारी में इतना पैसा लग जाता है, उसका जो उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो सारी बिक जाती है, जो उसने प्लाट खरीदे थे वो भी सारे बिक जाते हैं, लास्ट में आके मेडिकल स्टोर भी उसको बेचना पड़ जाता है। तो अंत में आके डॉक्टर उसको मना कर देते हैं कि आपका लड़का अंतिम स्टेज पे है, आपके लड़के को ब्रेन ट्यूमर है। आदमी हक्का बक्का रह जाता है। डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि आप इसको अपने घर ले जाइए, घर पे जाकर सेवा करिए। कुछ 15 दिन बीतने के बाद लड़का एक्सपायर हो जाता है। 15 दिन बीतने के बाद लड़का एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद खुद को उसको मेडिकल स्टोर वाले को भी लकुआ मार जाता है। लकुआ मारने के बाद वो एक मेडिकल स्टोर पे जाता है दवाई खरीदने के लिए। उसके जेब में ओनली 500 रुपये होते हैं। इंजेक्शन की जो रियल कीमत होती है वो 350 रुपये की होती है, लेकिन मेडिकल स्टोर वाला उसको 700 रुपये देने के लिए कहता है। उसके पास 700 रुपये नहीं होते हैं, 500 रुपये में वो नहीं देता है, वो वापस अपने घर चला आता है। बिना दवाई लिए उसका रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। तभी उसको अचानक वो बुजुर्ग आदमी याद आता है कि काश मैंने उस व्यक्ति की मदद की होती, काश मैंने लोगों को डिस्काउंट दिया होता, काश मैं ये 2 नंबर के पैसे को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया होता, मैं सारा कुछ मेरे पास ख़त्म हो चुका है, कुछ भी मेरे पास नहीं बचा है। इस कहानी से आप सभी को यही शीर्षक मिलेगा, यही आपको सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति को मदद करनी चाहिए और बेईमानी का पैसा ज़्यादा नहीं कमाना चाहिए। आप सभी को एक बार फिर से मैं यही अनुरोध करूँगा, जिस किसी भाई ने भी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ाने में सहायक होगा। नमस्कार।